नमस्कार, सुप्रभात, हार्दिक स्वागत व अभिनंदन बा महुआ प्लस के विशेष कार्यक्रम ग्रहण के चाल भाग्य का हाल में। एक कार्यक्रम में हम आपके हर दिन के पंचांग बतावे के साथ साथ बताइला आपके 12 राशि के राशिफल, हर राशि वाले जातक लोगन के अपन दिन के शुभ बनावे खातिर का करे के चाहिए और का न करे के चाहिए ये भी बताइला। एकरे साथ साथ हम लोग चर्चा करीला चार गो ऐसन विशेष उपाय पे, जे उपाय के जान करके यदि अपने जीवन में कोई व्यक्तियों के प्रयोग में लियावे तब बिना कोई बड़ा खर्च के, बिना कोई बड़ा परेशानी के, आप अपने जीवन के हर प्रकार के बाधा से बड़ा सरल तरीके से मुक्ति पा सकेले। तो दर्शक लोग, कार्यक्रम के अब हम लोग आगे बढ़ाई बात करब आज के पंचांग के। आज के पंचांग बा विक्रम संवत 2073, मास चल रहा बा वैशाख के, और वैशाख मास के आज शुक्ल पक्ष के दशमी तिथि बा सोमवार के दिन बा, नक्षत्र बा उत्तरा फाल्गुनी, योग बा हर्षण और करण बा गर्भ। आज के राहु काल बा प्रातः काल 6:57 से लेकर के 8:37 तक। तक ए मध्य में कोई भी शुभ विशेष कार्य आपके न करे के चाहिए, काहे कि राहु काल के प्रभाव से तो आप स्वयं परिचित हैं। अगर आपके कोई शुभ और विशेष कार्य करे के बाद आपके गुलिक काल में ही कार्य करे के चाहिए, जेके बहुत शुभ मुहूर्त मानल गई बा। तब गुलिक काल के अवसर आज पड़ रहा बा दिन में 1:37 से लेकर के 3:18 तक। अगर ए मध्य में आप कोई भी शुभ और विशेष कार्य के श्री गणेश करिए, शुभारंभ करिए, तब कार्य के सफलता के संभावना कहीं ज़्यादा रहे ले। तई तो चर्चा रहे आज के पंचांग के। अब हम लोग बात करब आज के पहला तीन राशि के, अर्थात मेष, वृष, मिथुन राशि वाले जातक लोगन के लिए आज का ग्रह के स्थिति, नक्षत्र का स्थिति का कह रहल बा, तो आज के आपके राशिफल का बा तई जानल जाए। तो क्रम में सबसे पहले बात मेष राशि के। मेष राशि वाले जातक लोग, यदि आज के दिनचर्या में आप कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेवे वाला हुआ तो विचार एक बार आपके पुनः कर लेवे के चाहिए, एक बार फिर से चिंतन कर ले। अगर स्वयं अपना निर्णय करे में आपके दिक्कत आ रहल बा तो कोई अनुभवी व्यक्ति से आपके सलाह भी लेवे के चाहिए, तब जाकर के कोई नतीजा पर आप पहुंची, यानी तब जाकर के कोई बड़ा निर्णय आप करी। आज के दिनचर्या के शुभ बनावे खातिर ओम पापाप हारणे नमः मंत्र के 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम रही। मन के चंचलता के आज आपके नियंत्रित करे के बाद आपके लिए शुभ रंग बन रहल बा मटमैला और शुभ अंक बन रहल बा 4। अब बारी वृषभ राशि के। वृषभ राशि वाले जातक लोगन के लिए आज कोनो शुभ कार्य में आपके व्यय करे के पड़ सकेले। आज आपके अपन कीमती सामान के खास और विशेष ध्यान रखे के चाहिए। आज के दिनचर्या के शुभ बनावे खातिर ओम परस्मै नमः मंत्र के 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम बा। आज आपके यात्रा से बचे के हो, आपके लिए शुभ रंग बन रहा हो ग्रह और शुभ अंक बन रहा हो 9। अब बारी मिथुन राशि के। मिथुन राशि वाले जातक लोगन के लिए व्यापार परिवार हेतु महत्वपूर्ण विचार विमर्श आप आज कर सकेले। आज कोई नया जॉब आरंभ करे खातिन, यानी नया कोनो नौकरी शुरू करे खातिन सहकर्मी लोगन के साथ आपके सामंजस्य बिठावे में तनी कुछ दिक्कत आ सकेले। तभी आप नया जगह पे गए हैं, नया माहौल, नया वातावरण बा, तो वहाँ के लोगन के साथ थोड़ा सा आप तालमेल जबले न बैठा लें तबले आप पूर्णतः वहाँ आप बहुत आरामदायक, बहुत कंफर्टेबल आप अनुभव न करिए, तो आज थोड़ा सा आपके असहजता हो सकेले। तो पहले लोगन के साथ आपके मेलजोल बढ़ावे के चाहिए। आज के दिनचर्या के शुभ बनावे खातिर ओम निरंजनाय नमः मंत्र के 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम रही। आज आपके कटु वचन बोले से बचे के बाद आपके लिए शुभ रंग बन रहा सुनहरा और शुभ अंक बन रहा 1। तो दर्शक लोग, इतना चर्चा रहे आज के पहला तीन राशिफल के। अब हम लोग कार्यक्रम में आज के पहला उपाय के पड़ाव पर आ गए, यानी आज का रामबाण उपाय। आज के रामबाण उपाय में हम आपके रामचरितमानस के एगो ऐसन दोहा बतावे जाते हैं, जे दोहा के जाप और प्रयोग करके आप हनुमान जी के प्रसन्न करके उनकर कृपा प्राप्त कर सकेंगे।
ई दोहा बा सुमेरी पवन सुत पावन नामू अपने बस करी राखे रामू। एक बार पुनः सुन ली, सुमेरी पवन सुत पावन नामू अपने बस करी राखे रामू। ए चौपाई के दोहा के जाप करे से ऐसन धर्मशास्त्र के मत बा रामचरित मानस के ई चौपाई बा ऐसन कहल जाले कि दोहा के जे भी व्यक्ति ध्यान करेला ओके भगवान श्री हनुमान जी के कृपा उनकर आशीर्वाद प्राप्त होले। तो दर्शक लोग, कार्यक्रम में अभी तक हम लोग चर्चा के लिए आज का पहला तीन राशि और आज का पहला उपाय अर्थात आज का रामबाण उपाय। अब समय आ गई बा एगो छोटा से ब्रेक लेवे के। ब्रेक के उपार हम आपके बताइब अगला छह राशि के आज के राशिफल, उकरे साथ साथ हम लोग चर्चा करब आज का दिव्य उपाय, आज का वास्तु उपाय और आज का महा उपाय। आज के महा उपाय में हम आपके बताइब कि आप अपने से स्वतः ही कैसे पहचान सकेला कि आप पर तंत्र मंत्र अर्थात तंत्र शक्ति, काला जादू या फिर कोई मारण मोहन सम्मोहन का प्रयोग करल गइल बा ओकर का लक्षण होले। तो आज का महा उपाय बहुत ही विशेष बा, कहीं मत जाई, बनल रही हमरे साथे महुआ प्लस पर और देखत रही ग्रहण के चाल भाग्य का हाल। नमस्कार, पुनः हार्दिक स्वागत बा महुआ प्लस के विशेष कार्यक्रम ग्रहण के चाल भाग्य का हाल में। अब हम लोग चर्चा करब आज का दिव्य उपाय पर। आज का दिव्य उपाय बा, यदि आपके या आपके परिवार में कोई भी व्यक्ति के आपके जानकारी में श्वास संबंधी बीमारी बा तो ओके दूर करे खातिर आप का उपाय कर सकेली, बड़ा अच्छा बड़ा प्रमाणित उपाय बाई। ऐसे स्थिति में जिन लोगों के श्वास संबंधी बीमारी अस्थमा या दमा टाइप का रोग हो तो उनके करे के चाहिए कि मूंगा पन्ना और मोती एके तीनों के संयुक्त रूप में एक अंगूठी में आप बनवा लें, कम से कम पांच पांच रत्ती के अनुसार अनामिका उंगली में रिंग फिंगर में आपके एके धारण करे के चाहिए। ऐसन करे से सांस से संबंधित अगर कोनो बीमारी कोनो रोग रहेला तो उमे जातक के लाभ प्राप्त हो जाले। तो इधर चर्चा रहे आज के दिव्य उपाय के। अब हम लोग फिर से राशि के क्रम के आगे बढ़ाई बात करब कर्क सिंह और कन्या राशि वाले जातक लोगन के आज के राशिफल के। तो एक क्रम में सबसे पहले बात कर्क राशि के। कर्क राशि वाले जातक लोग, यदि आपके अनुभव बा कि आपसे कोनो गलती हो गई बा आज, तब फिर आज के दिनचर्या में आप अपने व्यवहार खातिर माफी मांग सकेले, क्षमा मांग सकेले। जे भी व्यक्ति आपके व्यवहार से आहत भइल बा उसे आपके क्षमा मांग लेवे के चाहिए। अगर आपके ऐसा अनुभव हो जाला कि आज जाने अनजाने आपसे गलती हो गई बा, तो गलती मनुष्य से हो जाले उमे कोनो बड़ी बात नहीं बा, ओके स्वीकार कर लेना बहुत बड़ी बात बा। अगर आप ऐसन कर लेवे ले आज, तो आज आपके समस्या तत्काल समाप्त हो जाई, चिंता भी न रही, बात वहीं के वहीं समाप्त हो जाई। वहीं कर्क राशि वाले जातक लोगन के आज के दिनचर्या में वाहन आदि के सुख मिले का भी बहुत सुंदर बहुत मजबूत योग बन रहल बा। आज के दिनचर्या के शुभ बनावे खातिर ओम नागराज यज्ञ पवित वते नमः मंत्र के 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम रही। व्यापार में आप साझेदारी आज न करी, आपके लिए शुभ रंग बन रहा केसरिया और शुभ अंक बन रहा 8। अब बारी सिंह राशि के। सिंह राशि वाले जातक लोगन के लिए स्वास्थ्य संबंधी समस्या विशेषकर पैर में दर्द, चोट चपेट, एक्सीडेंट के संभावना आज आपके साथ बन रहा बा। कार्य क्षेत्र में उच्चाधिकारी और सहकर्मी लोगन के व्यवहार से आपके आज कुछ तकलीफ पहुंच सकेले। आज के दिन के शुभ बनावे खातिर ओम धीराय नमः मंत्र के 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम रही। संपत्ति या ओकरे अलावा अन्यत कहीं निवेश के योजना बा तो उसे बचे के चाहिए, आपके लिए शुभ रंग बन रहा लो बैगनी और शुभ अंक बन रहा लो 5। अब बारी कन्या राशि के। कन्या राशि वाले जातक लोगन के लिए आज स्वजन लोगन के व्यवहार से यानी अपने लोगन के व्यवहार से आज आपके थोड़ा सा निराशा हो सकेले। ऐसे में आज आपके चुप न रहे के चाहिए, खुल करके अपन बात कहे के चाहिए। परिवार के हित में जौन भी आपके विचार बा ओके आपके सबके समक्ष रख देवे के चाहिए। आज की दिनचर्या के शुभ बनावे खातिर ओम द्वैमात्रेयाय नमः मंत्र के 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम बा। आज के तिथि में आप यात्रा न करें तो आपके लिए ज़्यादा हितकारी रहे वाला हो। आज आपके लिए शुभ रंग बन रहा हो भूरा और शुभ अंक बन रहा हो 7। अब बारी आज के वास्तु उपाय के। आज के वास्तु उपाय में हम आपके बताएं कि कैसे एगो छोटा से प्रक्रिया से, छोटा से पूजा से आप श्री वृद्धि यानी समाज में नाम सम्मान धन प्रतिष्ठा के प्राप्ति कर सकेंगे और आपन शरीर के शक्ति में अंदरूनी शक्ति में रोग प्रतिरोधक क्षमता में कैसे वृद्धि कर सकेंगे। यदि आपके घर के आसपास कोई पीपल के वृक्ष हुए
तो आपके वो पीपल के वृक्ष का पूजा कम से कम सप्ताह में एक दिन, खासतौर पर शनिवार या फिर गुरुवार, इदो में से कोई भी एक दिन आप कर सकेंगे। अगर दोनों दिन करें तो सब 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 उत्तम बा। अगर दो दिन न भी कर पावे या रोज न भी कर पावे तो कम से कम एक दिन आपके जरूर करे के चाहिए। पीपल के वृक्ष के पूजा करे से श्री के प्राप्ति होले, यश के वृद्धि होले तथा पीपल के स्पर्श मात्र से कोई भी मनुष्य के शरीर में रोग प्रतिरोधक तत्व के वृद्धि हो जाले, ऐसन धर्मशास्त्र के मत बा। और बहुत तरीके से, बहुत हद तक वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित भी बा कि पीपल के वृक्ष से सबसे ज्यादा ऑक्सीजन उत्सर्जित होले, यानी प्राणदायी ऊर्जा उत्सर्जित होले। उकरे आसपास रहे से, वहाँ समय बितावे से आपके शरीर के और ज्यादा बल मिलेला, रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि होले। तई तो चर्चा रहे आज के वास्तु उपाय के। अब हम लोग बात करब तुला, वृश्चिक और धनु राशि वाले जातक लोगन के आज के राशि फल के। तय क्रम में सबसे पहले बात तुला राशि के। तुला राशि वाले जातक लोगन के लिए आपन मित्र लोगन के सहयोग से कोई बहुत बड़े समस्या के आज आप समाधान पा सकेले। उच्च अधिकारी वर्ग का पूरा पूरा सहयोग और पूरा पूरा साथ आज आपके प्राप्त होए का संयोग दिखात बा। आज के दिन के शुभ बनावे खातिर ओम द्विज प्रियाय नमः मंत्र के 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम रही। शेयर बाजार में निवेश करे से आपके बचे के चाहिए। आपके लिए शुभ रंग बन रहा हो हरा और शुभ अंक बन रहा हो द्वि। अब बारी वृश्चिक राशि के। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगन के लिए कोई नया कार्य के प्रारंभ करे के योजना आज आप बना सकेले। कोनो बिगड़ल संबंध के सुधारे खातिर यदि आज आप प्रयास करी हैं तो आपके उम्मीद ज्यादा अच्छा लाभ मिली, संबंध भी सुधरी और संबंध के माध्यम से आपके बहुत अच्छा विकास के तरक्की के मार्ग भी मिल सकेले। बकाए धन के प्राप्ति खातिर इस समय बहुत उत्तम समय बात। ऐसे समय में यदि आप तगादा करिए तो वसूली इस समय में ठीक ठाक हो सकेले। आज के दिनचर्या के शुभ बनावे खातिर ओम देवाय नमः मंत्र के 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम रही। मांसाहार के प्रयोग से, सेवन से आपके बचे के हो। आपके लिए शुभ रंग बन रहा लो पीला और शुभ अंक बन रहा लो छे। अब बारी धनुराशि के। धनुराशि वाले जातक लोगन के लिए आज के दिनचर्या में आलस से बच करके सक्रिय हो जाना आपके खातिर ज्यादा लाभप्रद रही। आज आपके दिनचर्या में जीवन में लाभ के अवसर कई बार आई, लेकिन यदि आप आलस से ग्रसित रही हैं, आलस में पड़ी हैं, तो लाभ के अवसर से आप चूक भी सकेले। तो बहुत महत्वपूर्ण अवसर बा, इसे अवसर के हाथ से जाए न देवे के चाहिए। आज के दिनचर्या के शुभ बनावे खातिर ओम दुर्वा बिल्वा प्रियाय नमः मंत्र के 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम रही। मांसाहार और मद्यपान के सेवन तथा प्रयोग से आपके बचे के बा। आपके लिए शुभ रंग बन रहा गुलाबी और शुभ अंक बन रहा हो नौ। तो दर्शक लोग, कार्यक्रम में पुनः एक बार अवसर आ गई बा एगो छोटा से ब्रेक लेवे के। ब्रेक के उपार हम आपके बताए अंतिम तीन राशि के आज के राशिफल और उकरे साथ साथ आज के महा उपाय। आज के महा उपाय में हम आपकी जानकारी देवे जाते हैं कि कैसे आप पहचान सकेल कि आपके ऊपर आपके शत्रु लोगन के माध्यम से तंत्र शक्ति, काला जादू इत्यादि के, यानी मारण मोहर सम्मोहन इत्यादि के प्रयोग करल गई बात। बहुत आवश्यक चीज बात, जानकारी करे कहीं मत जाई, बनल रही हमरे साथ है, देखत रही ग्रहण के चाल भाग्य का हाल। नमस्कार, पुनः स्वागत बा महुआ प्लस के विशेष कार्यक्रम ग्रहण के चाल भाग्य का हाल में। अब हम लोग बात करब मकर, कुंभ और मीन राशि वाले जातक लोगन के आज के राशि फल के और उकरे साथ साथ बाद में अंतिम में आज चर्चा हुई आज के महा उपाय जो बहुत विशेष हम आपके जानकारी देवे जाते हैं। लेकिन ऊपर आई उससे पहले बात हुई मकर राशि के। मकर राशि वाले जातक लोगन के लिए आज का दिनचर्या के लक्षण ऐसे बन रहा बा कि आपका व्यापार बहुत अच्छा चली, आर्थिक स्थिति प्रसन्नतादायी रहे वाला बा। आज आप अपने तरफ से परिवार के सुख दे सकेले और जब आप परिवार के सुख दिए हैं, परिवार के लोग खुशी रही हैं और सब लोग एक साथ मिलजुल करके दिन के आनंद लिए हैं, परिवार में एक मंगलमय वातावरण बनी, तो आपके भी आत्मिक संतुष्टि यानी आत्मा के संतुष्टि प्राप्त हुई, ऐसा लक्षण मिल रहा बा। आज के दिन के शुभ बनावे खातिर ओम दांताय नमः मंत्र के 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम रही। निवेश के लिए इस समय में आपके थोड़ा सा बचे के चाहिए। आपके लिए शुभ रंग बन रहा लो काला और शुभ अंक बन रहा लो आठ। अब बारी कुंभ राशि के।
कुंभ राशि वाले जातक लोगन के लिए आज के दिनचर्या में भाग्य के साथ आपके साथ बनल भइल बा, ओकर पूरा पूरा लाभ लेवे का प्रयास आपके करे के चाही। आज के दिनचर्या में भवन, भूमि, वाहन इत्यादि के बहुत अच्छा प्राप्ति के उत्तम योग बन रहल बा, तो आज आप प्रयास करी। अगर आपके कोनो आवश्यकता बा तो भवन, भूमि, वाहन इत्यादि के आज कामना सिद्ध हो सकेले। आज के दिन के शुभ बनावे खातिर ओम दक्षाय नमः मंत्र के 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम रही। आज आपके यात्रा करे से बचे के बा, आपके लिए शुभ रंग बन रहा हो नीला और शुभ अंक बन रहा हो सात। अब बारी मीन राशि के। मीन राशि वाले जातक लोगन के लिए न्यायिक वाद विवाद के निपटारा आज आपके पक्ष में हो जाए, ऐसन ग्रह नक्षत्र के लक्षण मिल रहल बा। राजकीय सुख और सम्मान प्राप्त हुई, सामाजिक यश प्रतिष्ठा में वृद्धि के संकेत भी आज ग्रह नक्षत्र देत बाणे। आज के दिन के शुभ बनावे खातिर श्री वाल्मीकि जी द्वारा रचित भगवान गणेश के स्तवन के पाठ कर लेना आपके लिए उत्तम रही। संतान पर क्रोध करे से आपके बचे के चाही, आपके लिए शुभ रंग बन रहा हो सफेद और शुभ अंक बन रहा हो नौ। तो दर्शक लोग, ही तो चर्चा रहे आज के 12 राशि के, और अभी तक हम लोग कार्यक्रम में जानकारी कर ली आज के 3 उपाय के। अब कार्यक्रम में समय आ गया जानकारी करे के आज के चौथा उपाय अर्थात आज के महा उपाय के। आज के महा उपाय में हम आपके बतावे जाते हैं कि आप कैसे पहचान सकेला अपने शरीर के ऊपर या परिवार में कोई करीबी व्यक्ति के ऊपर कि ओकरे ऊपर तंत्र शक्ति, काला जादू या कोई मारण मोहन सम्मोहन जैसी क्रिया करल गई बा कि नहीं। आई आज आपके हम कुछ बहुत महत्वपूर्ण लक्षण बतावे जाते हैं। अगर ये लक्षण आपके साथ या आपके कोई परिजन के साथ घट रहल बा तो आप बहुत आसानी से समझ सकेले कि आपके साथ तंत्र मंत्र क्रिया आपके शत्रु लोग लगातार आपके परेशान करे खातिर, आपके क्षति पहुंचाए खातिर कर रहल बाड़े। सबसे पहला लक्षण बा कि कोई व्यक्ति के नाड़ी के गति सामान्य से अधिक हो जाए। जौन नाड़ी चलेले जेके पल्स रेट कहल जाला, डॉक्टर लोग भी जेके चेक करेलन, अगर सामान्य से अचानक बढ़ जाए नाड़ी के गति, दिल के धड़कन से भी आप पहचान सकेले। अगर आपका अचानक बैठल बैठल परिवार के साथे या सूतत समय अचानक गति बढ़ जाए, नाड़ी का गति बढ़ जाए, घबराहट होए लगे या हृदय गति बढ़ जाए, तब आप समझ सकेले कि आपके ऊपर तंत्र मंत्र करल गई बा। जब भी शरीर पर कोनो नकारात्मक ऊर्जा के हमला होले तो हमार शरीर जौन बा ओकर प्रतिरोध करेला, यानी ओसे बचाव के प्रयास करेला, जेकरे फलस्वरूप हमार धड़कन सामान्य से तेज हो जाले। जितना घातक अटैक होई, जितना मारक हमला होई, नाड़ी का गति यानी नाड़ी का गति अथवा हृदय गति उतना अधिक तेज हो जाए। दूसर लक्षण ये बा कि श्वास की गति बढ़ जाले, यानी सांस लेवे के जौन क्रिया बा, जैसे सामान्य व्यक्ति लेवेला सांस, अगर आपके ऊपर आपके शत्रु लोग कुछ तंत्र मंत्र कर रहल बाड़े, जौने समय आपके जौने क्षण आपके ऊपर तंत्र मंत्र होई और जब वो आपके ऊपर अटैक करी, आप तक जब वो पहुंची हमला, तब अचानक आपके नाड़ी का गति बढ़ जाई, हृदय गति बढ़ जाई। फिर दूसरा लक्षण ये बा कि श्वास की गति बढ़ जाले, तांत्रिक हमला होते ही सांस के गति भी बहुत तेज हो जाले। घातक हमला के हालत में श्वास के गति इतना अधिक हो सकेले कि जितना कोई व्यक्ति भागदौड़ के बाद भी नहीं हो, उससे ज़्यादा बैठल बैठल या सूतल सूतल आप अनुभव करे लगिए कि अचानक आपके सांस का गति भी बढ़ गई बा। तीसर उपाय बा कि अचानक ही शारीरिक तथा मानसिक रूप से व्यक्ति कमजोरी महसूस करे लगे। तांत्रिक हमला या फिर कोई साइकिक अटैक में नकारात्मक शक्ति व्यक्ति के मन मस्तिष्क के काबू में करे का प्रयास करे लगेले, जेकरे चलते व्यक्ति अपन शक्ति से काम नहीं ले पावेला और अंदर ही अंदर शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोरी का अनुभव व्यक्ति के होए लगेला। चौथा लक्षण ये बा कि जे लोगन के ऊपर तंत्र मंत्र के प्रयोग करल जा रहल बा, ओ व्यक्ति के रात में सूतत समय अजीब डरावना सपना आवेला। जी हाँ, तांत्रिक हमला के दौरान रात के शयन करत समय यानी सूतत समय भयावह और डरावना सपना व्यक्ति के आवे लगेला। कई बार ऐसा लगेला कि जैसे आप पर कोई जानवर हमला कर देले बाड़ा, या आप कहीं बहुत ऊंचाई से, पहाड़ से, कोई बड़ा ऊंचा बिल्डिंग से आप नीचे गिर रहल बाड़ा, या नीचे खाई में कहीं आप गिर रहल बाड़ा, ऐसा व्यक्ति के बार बार सपना आवे लगे, या चलत फिरत भी अचानक आँख के सामने ऐसा फ्लैश आवेला। अब बात पांचवें लक्षण के। पलंग के पास पानी रखे से भी आप एके पता कर सकेले। जी हाँ, बहुत अच्छा और बहुत मानल उपाय बा कि आप कैसे चेक करें कि आपके ऊपर तंत्र मंत्र करल गई बा कि नहीं।
आपके करे के ही चाहिए कि रात के सूतत समय पलंग के पास आप एक गिलास पानी रख करके अपने सिराने सू जाएं और सूतत समय मन में सोचें कि आपके अंदर जितना भी नकारात्मक ऊर्जा बा वो सब पानी में जा रहा बा। ऐसा विचार करके बार बार यही सोच करके आपके सूते के बाद जबले आपके नींद ना आ जाए। सुबह जब आप उठ जाएं तो जल के उठा के वो एक गिलास पानी के उठा करके घर में कोई भी पौधा में डाल दें। खासतौर पर ध्यान रखें कि कोई शुभ पौधा न हो जेकर पूजा पाठ हो ले, तुलसी इत्यादि का पौधा न हो। ऐसा लगातार आप 8 दिन या 15 दिन करी। 8 दिन में वो पौधा अगर आपके ऊपर तंत्र मंत्र करल गल हुई और वो जल आप में डालत रही है तो 8 दिन के अंदर वो पौधा मुरझा जाए। यदि हमला बहुत तेज हुई तो 2-3 दिन के अंदर ही वो पौधा जो बा कुम्हलाए लगी यानी करिया पड़े लगी, समाप्त होए लगी। तो ऐसे आप बहुत आसानी से समझ सकेले कि आपके शत्रु लोग निरंतर आपके ऊपर तंत्र मंत्र के प्रक्रिया कर रहल बाड़े, आपके परेशान करे के आपके कष्ट में डाले का प्रयास निरंतर जारी बा। छठवां उपाय बा कि तकिया के नीचे आप नींबू रख करके भी शयन करके यानी सो करके अगले दिन चेक कर सकेंगे कि आपके ऊपर तंत्र मंत्र के प्रभाव बा कि नहीं बा। फल तथा सब्जी भी नकारात्मक ऊर्जा से बहुत ज़्यादा प्रभावित होले। आप रात के शयन करत समय एगो नींबू ले लें, एकदम साफ बेदाग नींबू, और आपन तकिया के नीचे आप ओके रख करके सो जाएं। अपने मन में आप सोचें कि आपके आसपास कोई भी प्रकार के नकारात्मक ऊर्जा यदि होए तो ये नींबू में आकर के समाहित हो जाए। तांत्रिक हमला होए के दशा में सुबह आप नींबू के मुरझायल भैल या कुम्हलायल भैल दागी भैल आप पहिए ओकर स्किन का रंग जौन बा ओकर चमड़ी का रंग जौन बा वो काला पड़ जाए नहीं तो भूरा हो जाए। अगर साफ बेदाग नींबू आपके 8 घंटा 6 घंटा बाद काला मिले या भूरा मिले उसमें कोई परिवर्तन आपके दृष्टिगोचर हो जाए तो आप समझ जाएं कि आपके ऊपर तंत्र मंत्र के प्रयास निरंतर करल जा रहल बा और आपके बहुत बड़ा ऐसे क्षति हो सकेले। तो दर्शक लोग ही तो चर्चा रहे आज के महा उपाय के। यदि आप भी चाहते हैं आपन प्रश्न के उत्तर हमरे माध्यम से तो आपके ईमेल करे के चाहिए grahankechaal@gmail.com पर आपन संपूर्ण जन्म विवरण और आपन प्रश्न आप हमके ईमेल कर सकेंगे। यदि आप SMS के माध्यम से हमसे संपर्क करे चाहें तो आप कैपिटल में GBH लिखें और एगो स्पेस दे करके आपन संपूर्ण जन्म विवरण और आपन प्रश्न लिख करके 5888 पर हमके SMS करें। यही शुभकामना के साथ कि महादेव के कृपा से आपका जीवन और आपका दिन शुभ बनल रहे, हमके आज्ञा दें। देखत रही महुआ प्लस। नमस्कार। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रश्च शनि राहु केतव सर्वे ग्रह शांति कर भवन्तु सर्वे ग्रह शांति कर भवन्तु सर्वे ग्रह शांति कर भवन्तु नवग्रह शुक्राय नमः ॐ ऐं ह्रीं श्रीं शनिश्चराय नमः ॐ ऐं ह्रीं